हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने नहीं वाले, मतलब डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी के बारे में। तो एनटीएससी यार, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा एनटीएससी के बारे में। एनटीएससी क्या होता है, उसको कैसे क्रैक करना है, और उसमें क्या सिलेबस होता है, कौन सी बुक यूटिलाइज करें, और मतलब जो भी एनटीएससी के बारे में मैं इसमें सब बता दूंगा। स्कॉलरशिप कितनी है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। तो ये है मेरी आकाश की दो मॉड्यूल, इनमें से मैं आपको सब बता दूंगा क्या सिलेबस है इनमें। मतलब ये समझ लो कि ये महाग्रंथ है एनटीएससी के लिए। इसको आप अपने पूजा रूम में रखो और इसकी रोज आरती उतारो, ठीक है? तो अभी सुनो भाई, तो ये है एनटीएससी का सिलेबस। मेंटल एबिलिटी, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। सोशल साइंस बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आता है। साइंस आता है 40 मार्क्स का, और मैथ्स आता है 20 मार्क्स का। तो मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही सीरियस एग्जाम, ठीक है? तो मेंटल एबिलिटी का पेपर आता है 100 मार्क्स का, और टोटल एग्जाम होता है 2 घंटे का एक एग्जाम। मतलब मेंटल एबिलिटी का एक एग्जाम 2 घंटे का, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड का टेस्ट वो होता है 2 घंटे का। मतलब टोटल मिला के आपको मिल गया 4 घंटे। और अगर मिनट्स में बताऊं तो 200 मिनट, 40, नहीं नहीं हाँ 240 मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया है अपना ये। अब मैं आपको पूरा अच्छे से इस पेपर में बताऊंगा और फिर सिलेबस भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और कोई सी भी क्लास के हो, चाहे 9th हो, 10th हो, या फिर 8th के बच्चे भी हो, सबको सिलेबस मिलेगा इधर, ठीक है? हाँ तो भाई सुनो, पहले बात करते हैं एनटीएससी। एनटीएससी कंडक्ट करवाता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है? ये अपनी बुक्स भी बनाता है, सारी जितनी भी बुक्स बनती है एनसीईआरटी बनाता है। तो एनटीएससी की फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है? समझ आ गया? एनटीएससी 2 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज और एक होता है सेकेंड स्टेज, या स्टेज 1 या स्टेज 2 भी बोल सकते हो आप। स्टेज 1 कंडक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एनटीएससी स्टेज 2 कंडक्ट होता है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है? तो मतलब स्टेज 1 में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बता दूं? चलो बता देता हूं। इसमें स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस आ सकता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। स्टेट बोर्ड की बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो अब आता है स्टेज 2, सीबीएसई। इसको सीबीएसई कंडक्ट करवाता है, और ये नेशनल लेवल पे होता है और ये स्टेट लेवल पे होता है। एनटीएससी स्टेज 1 हो या स्टेज 2, उसके 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है मैट और एक होता है सेट। मैट की फुल फॉर्म होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेट की फुल फॉर्म होती है स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैट होता है पूरे 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 96 आ जाए तो लड्डू पेड़े बांटना शुरू कर देना, ठीक है? तो ये होता है एग्जाम 2 घंटे का। और सोशल साइंस का मतलब स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, और ये भी होता है 2 घंटे का, मिला के हो गए 4 घंटे। तो भैया टॉयलेट वॉयलेट जाके आना, वरना उधर दिक्कत हो जाए, टाइम छूट जाए, ठीक है? तो बात करते हैं सेट की। तो सेट में अपना आता है मैथमेटिक्स, अगला हो गया साइंस, और अगला हो गया सोशल साइंस। यार सोशल साइंस भी आ रही है, क्या करें? चलो कोई बात नहीं। मैथमेटिक्स इज ऑफ 20 मार्क्स, साइंस इज ऑफ 40 मार्क्स, एंड सोशल साइंस इज ऑफ 40 मार्क्स। इसमें अगर आप अप्रोक्स लोगे तो 13-13 मार्क्स के फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, और बायोलॉजी आ गया, ठीक है? और हाँ, किसी में 14 मार्क्स भी आ सकते, क्योंकि 13-13-13 करोगे तो ऐड करोगे तो आपको आएगा 39। तो मतलब एक में 14 आएगा। तो जिसमें भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें वो लोग 14 क्वेश्चंस दे देंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो उनसे सबसे हार्ड है उसमें देंगे, ठीक है? तो अब मैट हो गया, सेट हो गया, इन सब के बारे में आपको बता ही दिया। इसका सिलेबस है, कुछ कुछ बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं 8 क्लास से ही लग जाते हैं, और कुछ कुछ तो मैंने देखा है फर्स्ट क्लास से ही लग जाते हैं, ठीक है? 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं। 10th में एग्जाम होता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी इसका कुछ कह नहीं सकते कब होगा,
पर होगा जरूर। हाँ अब बात करते हैं स्कॉलरशिप, भाई कितनी मिलती है स्कॉलरशिप? पैसा चाहिए हमें तो। आपको मिलता है 1,250 रुपीज़ इन योर 11th एंड 12th क्लास, अगर NTSC स्टेज 2 क्लियर किया है तो। NTSC स्टेज 1 में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और फिर मिलते हैं 2,000 रुपये इन योर अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो भाई पहले ही बता दूं, ये जो एग्जाम है ना, इसको यार आप मतलब स्कॉलरशिप के लिए मत करो, क्योंकि स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत ही कम है। और अगर स्कॉलरशिप के लिए करोगे तो कोई इसका फायदा नहीं। आपको करना है इसको इज्जत के लिए। इसको आपने अगर क्लियर कर दिया ना, तो ऐसी तगड़ी इज्जत मिलती है ना। मैं आपको अपने ब्रांच में बताता हूँ, मैं आकाश का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे ब्रांच में क्या हुआ था अभी NTSC 2019 में, एक बंदे ने क्लियर कर दिया हमारे ब्रांच में। उसको यार एक ट्रॉफी दी और केक कटिंग दी, स्वीट्स सारे बच्चों को खिलाई, उसका लेक्चर हुआ, सबने तालियां बजाई, मतलब हॉल में करीब 100 के आसपास लोग हो गए। और ऐसा जोर का मतलब उसको आ रहा होगा अंदर से कि यार मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। तो वो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग का कोई जवाब नहीं होता, मतलब अनएक्सप्रेसेबल है वो फीलिंग। तो उसके लिए NTSC क्लियर होता है। NTSC स्टेज 2 या फिर टोटल NTSC में ओनली 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और अपील कितने करते हैं? 30 लैक्स। OMG, 30 लैक्स में से 1,000, क्या हो गया भाई ये? चलो छोड़ो, इतने मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना है कि आप इन 29,99,000 में से आओगे या फिर इन 1,000 में से आओगे, ठीक है। कैलकुलेशन सही की ना मैंने? गलत की होगी तो माफ कर देना, ठीक है। तो ये हो गया NTSC, अब क्या बचा? सिलेबस। चलो सिलेबस देखते हैं, बहुत हो गया बकवास। सिलेबस भाई, तो ये बुक दिखा दी थी, तो भाई ये बुक है क्लास 10th। अगर 9th या 8th में हो तो ये वाली बुक है आपके लिए। तो अभी 10th का भी देख लो और 9th का भी देख लो, और अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट तैयार रखना, क्योंकि आपको करना है स्नैप। तो बता देता, Physics 13, Chemistry 13, Biology 13, Mathematics 20, Social Science 40। सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टेट बोर्ड भी आता है। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा है दिल्ली का, तो दिल्ली में पता नहीं उससे क्या पूछ लेंगे कि दिल्ली कब बना था, कैपिटल कब बना था, वैसा वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा है आंध्र प्रदेश का, तो उससे पूछ सकते हैं कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब है, मतलब वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बारे में भी बहुत पूछते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको पढ़ना है 8th 9th 10th की टेस्ट बुक। हाँ, तो मैंने NTSC की साइट में देखा था कि उसमें लिखा था देयर इज नो पर्टिकुलर सिलेबस, बट दी सिलेबस ऑफ क्लास 9 10th विल बी आस्ड इन NTSC, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 9th और 10th तो है ही, साथ में 8th क्लास भी है। तो भैया जो 8th क्लास में बच्चे हैं ना, वो तो लग जाओ, एकदम जुट जाओ, अपनी बुक को एकदम पीला कर दो। दिखाऊँ? मैंने भी पीला कर रखा है अपनी साइंस की बुक, दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरी साइंस की बुक, नाम मेरी बहन का है। OMG, इसको तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये है मेरा हाइलाइटर और ये है मेरी बुक, पूरा मैंने सड़ा के रख रखा है इसको, जहां भी दिखे पेन चला देता हूँ। ये देखो, तो ऐसी पूरी बुक को रंगीन कर लेना है NTSC के लिए। और हाँ भाई, रंगीन ऐसे नहीं करना, कुछ भी मार्क कर लिया, जो इंपॉर्टेंट लगे उसी को मार्क करना। अब बात करते हैं बुक्स के लिए। तो भाई बुक्स, ये है मेरी NTSC की 2 बुक, और मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैंने इन दोनों बुक को पूरा कर लिया तो मुझे NTSC क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी आकाश की मॉड्यूल है और इसमें कॉपीराइट लग सकता है, इसलिए मैं पूरी बुक नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत इंडेक्स विंडेक्स दिखा देता हूँ सिलेबस के लिए। तो भाई ये देखो, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है, ये क्लास 10th के लिए है। इसमें टोटल 27 टॉपिक्स हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो, तो इसमें देखो भाई, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाओ मेंटल एबिलिटी के टेस्ट पे, तो वो मैं बना रहा हूँ। तो उसके लिए एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लास 8th एंड 9th के लिए, ठीक है। 8th एंड 9th के लिए उनको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8th अभी बस 10 टॉपिक तैयार करो, फिर जब आप अगली क्लास में आओगे तो फिर 18 टॉपिक तैयार करना, और फिर जब अगली क्लास में आओगे तो आप 27 टॉपिक तैयार करना। तो अगर आप चाहो तो मैंने ये वाली है,
तो ये वाली बुक है, इसमें मैंने 27 के 27 टॉपिक जो लिख रखे हैं उन्हीं को अभी से तैयारी कर लो तो आगे आसानी होगी। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ हर जगह का अलग अलग रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो ले लिया, ले लिया। चलो ठीक है, अब सैट के बारे में बात करूं, सैट के बारे में बात कर लेता हूँ। एक सेकंड भाई, लोग बीच में पेज पलटने में दिक्कत आती है, सबको आती है। ठीक है, तो ये है टॉपिक्स 8th और 9th का, ये फिजिक्स का है। तो आपने अभी गौर से देखा होगा तो पता लगा होगा कि ये आपकी बुक के चैप्टर्स हैं। तो ये बुक के चैप्टर्स ही आपको ढंग से पढ़ लेने हैं, पूरी NTSC को पढ़ लेना है। 8th 9th 10th को काढ़ा बना के पी जाओ तो आपको कोई नहीं रोक सकता NTSC क्लियर करने से। तो बुक्स ये तो मुझे मिल गई, अब जो आकाश के बच्चे नहीं हैं उनको क्या करना है, रोज एक एक सुडो को लेके बैठ जाओ, उनको सॉल्व करो। न्यूज़पेपर नहीं आता है घर में तो ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड कर लो। अब भाई वीडियो देख रहे हो तो नेट तो होगा ही, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो बच्चा लोग, ये जो है NTSC, इसके आप जाओगे तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी यूटी में रहते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। करीब 10 साल के, 10 साल हो गए होंगे NTSC को, हो गए होंगे तो ठीक है, 10 साल हो गए, 10 साल के पेपर निकाल लो और सॉल्व करते जाओ। और मतलब बहुत सारी बुक्स भी आती है, ऑनलाइन सर्च करो NTSC की बुक, और मतलब जितने आप पेपर सॉल्व करोगे ना, जितने क्वेश्चन, देखो इसमें करीब मैं बताता हूँ 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन रोज सॉल्व करने, 25-25 क्वेश्चन मैट के सॉल्व कर लिए रोज, ऐसे ऐसे कर लो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि इसमें मैं अभी NTSC के मेंटल एबिलिटी की सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था, तो उस वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। और मैं भी अभी NTSC क्लियर करूंगा इस साल, मतलब कोशिश करूंगा, और हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरा क्या मानना है, हम साथ में क्लियर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम अपना पूरा एक मतलब यूट्यूब फैमिली बना लेते हैं इस सब्सक्राइबर के जरिए। और फिर साथ में जब क्लियर करेंगे ना तो क्या मजा आएगा। तो जिसका भी क्लियर होगा NTSC जब होगा, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं अभी बताता हूँ, जैसे कि ये वाली वीडियो मैंने अभी इंट्रोडक्टिव बना दी है, तो NTSC के बच्चे जो देख रहे हैं इसको, उनके लिए भी ऑलमोस्ट यही सिलेबस है, वो भी इसी के साथ जाए। NTSC में मेंटल एबिलिटी का तो मैंने आपको दिखा दिया, मेंटल एबिलिटी में लगभग यही आता है। और जो बच्चा आपका दूसरा ये सब्जेक्ट वाला, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सब उनमें फिर डिफरेंट आता है उसका। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना, उसमें भी मैंने पूरा NTSC के बारे में समझा रखा है। ठीक है, इस चैनल में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। हाँ, तो मैं अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ मेंटल एबिलिटीज की जितनी भी वीडियोज हैं, जैसे कि मैं ये वाले टॉपिक्स दिखाता हूँ आपको, इस वाली बुक में। तो इन टॉपिक्स में मैं एक शॉर्ट क्लिप तो बनाता ही रहता हूँ, साथ में आपके लिए कॉन्सेप्ट की भी वीडियोज बना दूंगा। जैसे कि 1 से 27 टॉपिक्स हैं, तो इन पे मैं एक एक करके एक एक दिन में वीडियो बनाता जाऊंगा। ठीक है, तो उससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो यही था बस इस वीडियो में, और कोई डाउट है तो बोलो। अरे यार, लाइव थोड़ी ना ये, चलो कोई बात नहीं। तो कमेंट बॉक्स खुला है अभी 9 से 11। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, जब भी आपका मन है देख लेना। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैं अब बनाऊंगा वीडियो रिपीटेड सीरीज पे या नंबर सीरीज पे। मैंने और भी वीडियो बना सकती, जैसे मैंने क्यूब एंड डाइस पे एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, तो वो वीडियो आप मस्ट देखो, मस्ट मस्ट। ठीक है, मस्ट देखो, और उससे क्या होगा, मतलब फायदा होगा बहुत। जैसे कि डाइस के क्वेश्चन आई थिंक 3-4 दे देते हैं NTSC में, तो वो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाओगे, इतनी अच्छी ट्रिक है। और मैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए भी सेल्फ हेल्प ट्रिक बताता रहता हूँ। तो वही सब था, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अरे आई होप क्या, आया ही होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को करते हैं हम एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।